नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त फुल एक्शन में है। यूपी में विभागों के प्रेजेंटेशन को और तेज किया जा रहा है। इसी को लेकर आज एनेक्सी भवन में कई विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ। ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के करीबी उन्मूलन और रोजगार में बेहतर काम को लेकर अपना प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा, आवास, पेयजल, बिजली संपर्क मार्ग, ग्रामीण हाट और टेक होम राशन प्लांट के विकास में प्रगति की जानकारी दी। सीतापुर में रिश्तों को कलंकित करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक ने अपने ही मामा की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात के पीछे जमीनी रंजिश बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की कार्रवाई में जुट गई। खबर संभल से है, जहां के HM पब्लिक स्कूल में फायर ब्रिगेड ने अधिकारियों ने बच्चों को आग से होने वाले दुर्घटनाओं के बारे में बताया। उस दौरान फायर ब्रिगेड प्रभारी बहजोई खुशनूर ने कहा कि हम यह भी चाहते हैं कि आग न से होने वाली दुर्घटनाएं ना हो, इसलिए हमने यहां पर आग से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बताया और उसका डेमो भी करके दिखाया कि किसी तरीके से आग को बुझाया जा सकता है और होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। ये एक हमारा एक उद्देश्य होता है और ये कि आग की दुर्घटनाएं कम से कम। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि स्कूल हो, अस्पताल हो, रोडवेज हो, जहाँ पे भीड़ भरी जगह है वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए और आग की दुर्घटनाएं कम हो। इसलिए मैं यहाँ पे स्कूल में आया हूँ आज और यहाँ पे आग से कैसे बचा जाए और ये इनको डेमो भी करके दिखाया, यही मेरा उद्देश्य है और ये हमारा फायर वीक सप्ताह भी चल रहा है। ये एक हमारा एक उद्देश्य होता है और ये कि आग की दुर्घटनाएं कम से कम। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि स्कूल हो, अस्पताल हो, रोडवेज हो, जहाँ पे भीड़ भरी जगह है वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए और आग की दुर्घटनाएं कम हो। इसलिए मैं यहाँ पे स्कूल में आया हूँ आज और यहाँ पे आग से कैसे बचा जाए और ये इनको डेमो भी करके दिखाया, यही मेरा उद्देश्य है और ये हमारा फायर वीक सप्ताह भी चल रहा है। अलीगढ़ की बीजेपी विधायक मुक्ता राजा ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की। विधायक का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से विकास नहीं हुआ है, जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि विधायक मुक्ता राजा शहर के पूर्व विधायक रहे सजीव राजा की पत्नी है। किन मांगों को लेकर क्या मांग है और क्या जन समस्याओं को सुना नहीं जा रहा, किस तरह की शहर की सफाई और पानी की समस्या? शहर गंदगी से हटा पड़ा है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, रात्रि को पथ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है और निर्माण कार्यों की भी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इन सब विषयों को लेकर संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया। 19 अप्रैल तक का उनको समय दिया गया, लेकिन 19 अप्रैल तक भी जब सभी समस्याओं का समाधान गंभीरता के साथ नहीं हुआ तो जो हमने ऐलान किया था 20 तारीख को शहर विधायक एक सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे ताकि जिन अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही थी उन अधिकारियों की मानसिकता बदले। कुछ गतिरोध ज़रूर सामने आया है तो इसको सुलझाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसमें मेयर साहब से मुलाकात की जाएगी, कुछ पार्षदों ने भी मुझसे मिलने का समय मांगा है, उनको हम लोग आजकल मिलके और हम लोग ऐसा रास्ता निकालेंगे जो गतिरोध है उसको दूर किया जाए। जहाँ तक शहर में समस्याओं की बात है तो उसके लिए नगर निगम के सारे प्रयास इस समय जारी। सीतापुर के
कि नवागत जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जब से सीतापुर में अपना कार्यभार संभाला है उसके बाद से लगातार वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं आज जो सीतापुर शहर की नवीन गल्ला मंडी का औचक निरीक्षण किया, साथ ही गेहूं क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं के खरीद की जानकारी लेते हुए रजिस्टर में अंकित विवरण से मिलान किया और गेहूं खरीद के भुगतान का विवरण भी देखा। गेहूं क्रय का समय चल रहा है, इस बार थोड़ा सा मंडी में भाव अधिक होने के कारण अभी जो परचेज है वो थोड़ा स्लो है। तो हम यहाँ पे वही देखने के लिए आए थे, दिशा निर्देश देने के लिए आए थे। सभी जो केंद्र हैं वो किसानों से संपर्क करो यार और प्रयास करें कि अधिक से अधिक गेहूं का क्रय हो। यहाँ पे सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं, गेहूँ रखने के लिए शेड के अंदर की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है और कांटे वगैरह सुचारू रूप से यहाँ पर उपलब्ध हैं और चालू हैं। बाकी नमी मापक यंत्र वगैरह सब है, सारी जो मानक हैं वो यहाँ पे पूर्ण अभी मिल रहा है। लेकिन जो अभी खरीद है वो कहीं अभी थोड़ा कम है, तो उसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। तो उसी के संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया, दिशा निर्देश दिए और आगे हम क्रय को तेज करेंगे। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 के एक मकान से चोरों ने लाखों की नकदी और गहने पर हाथ साफ कर दिए। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार एक शादी में गया हुआ था, उसी वक्त चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार्यवाही में जुट गई है। पाल सिंह ये जी, कल रात को चोरी की वारदात हुई है। दीवार कूद के लोग अंदर घुसे हैं और पहले सामने वाले गेट का ताला तोड़ा है, उसके बाद अंदर जाने के बाद अलमारी लॉकर और सारे संदूक और बेड सारे के कपड़े उपड़े सारे बिखरे पड़े थे बाहर। मेरे यहाँ से जी तकरीबन 13 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई है, जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी और अपने घर की ज्वेलरी भी उसमें शामिल है और तकरीबन 3-1 लाख रुपये कैश गया है, निकला है। नींबू के दाम बेकाबू हुए तो ग्राहकों के साथ दुकानदारों की भी चिंता बढ़ गई। रायबरेली के गल्ला मंडी में सब्जियों के थोक विक्रेता जितेंद्र सोनकर ने नींबुओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। आपको बताते चले कि गल्ला मंडी में पहले से ही सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, इसके बावजूद उन्होंने एहतियातन बरतते हुए कदम उठाया है। हालांकि अभी तक यहाँ चोरी जैसी या लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। नींबू के दाम बढ़ने का मतलब भैया नींबू पैदावार कम की बार है, दूसरी चीज़ ये हो गई कोरोना काल के बाद से नींबू की डिमांड ज़्यादा हो गई है। बचाव कर रहे हैं हम लोग, सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, चौकीदार डाल रहे हैं दुकानों में, खुद हम लोग घूम रहे हैं, दो दो तीन तीन बार आ रहे हैं रात में। सर नींबू लेने आए थे हम, नींबू 200 रुपये किलो कोई बता रहा है, कोई 220 रुपये किलो बता रहा है। नींबू सर गर्मी चल रही है, तबीयत नहीं सही रहती है, पेट वेट के लिए या फिर ऐसे शरबत वरबत पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। पिछली बार बहुत ज़्यादा 60 रुपये किलो 50 रुपये किलो नींबू था, अभी 4 महीने पहले यही रेट चल रहा था, 4-5 महीने में सब ज़्यादा बढ़ गया है रेट। इस समय क्या रेट ये सर 200 रुपये किलो बता रहा है, कोई 250 रुपये किलो, कोई 220 रुपये किलो। खबर चंदौली से है जहां सर्व शिक्षा अभियान को लापरवाह शिक्षक पलीता लगा रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षक खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा देने के बजाय कुर्सी पर सोते हुए सोते अध्यापक विनोद कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग की साफ लापरवाही देखी जा रही है। आपको बता दें पूरा मामला शहाबगंज विकास खंड क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय बरियारपुर का है। प्राथमिक विद्यालय बरियारपुर का मामला है, जहाँ पे 8 बजे पत्रकारों की टीम जब गई तो एक शिक्षा मित्र मौजूद थे, वो भी मेज पे टांग फैला के सोते हुए मिले और 140 बच्चों का पंजीकरण वहाँ पे हुआ है, सिर्फ 6-7 बच्चे मिले हैं, इसके बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है? ऐसा है, अभी हेडमास्टर से बात हुई है हमारी, उन्होंने कहा कि बच्चे कम आए थे जिसको अध्यापक गए थे गाँव में लेने और वो एक ही वहाँ बचे थे शिक्षा मित्र। अब उनके बारे में वीडियो प्राप्त हुआ है और स्पष्टीकरण भी मेरे द्वारा मांगा गया है। गाजियाबाद के मोदी नगर में गंभीर हादसा सामने आया है, जिसमें करीब 12 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चा अपने स्कूल बस से स्कूल के लिए निकला था। मिली जानकारी के अनुसार बस से स्कूल जाते समय बच्चे का सर सड़क पर किसी खंभे से टकराया और हादसे में उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन झूठ बोल रहा है और गलत तरीके से बस चलाने से बच्चे की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। अंकुर नेहरा
नैना जी, क्या घटना हुई है? सर, हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ के आ रहा था। गाड़ी में बैठ के आने के बाद में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से, उसको वोमिटिंग वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का, और सिर पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेके गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने, हम लोगों को ऐसी परेशान कर रहे। और अब पहुँचे हैं तो जाके जो है वो इतना एक्सपायर हो चुका था। चार के बच्चे के साथ कोई घटना घटी है, क्या है वो मामला? ये आज सूचना मिली थी सुबह कि एक बच्चा है जो कि पाँचवीं कक्षा का छात्र है, स्कूल बस में बैठा हुआ था, तो किसी भी कारण से उसके हेड इंजरी हुई, बस किसी चीज़ में टकराई, तो उसके बाद से हेड इंजरी के बाद से उसके अधिक रक्त बचाने के कारण उसको अस्पताल ले जाया गया, तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। कानपुर की सीसामऊ पुलिस ने सट्टेबाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और 8 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने एक बैंक अकाउंट को भी सीज किया है। डीसीपी वैसर की स्वाट टीम और थाना सीसामऊ की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें इन्होंने मिलके थाना सीसामऊ के गांधीनगर के घर में सट्टा पकड़ा है, जिसमें 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा इसमें करीब 1.5 लाख रुपए की धनराशि मौके से बरामद हुई है। इसके अलावा इसमें एक अकाउंट है जिसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है, ये अकाउंट भी फ्रीज कराया जा रहा है। साथ ही इसमें 8 मोबाइल फोन और मौके से रजिस्टर आदि सामान बरामद हुआ है। एक महिला इसमें अभी भी वांछित है जो फरार है, जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही संपन्न की जाएगी। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को जिला चिकित्सालय की ऑर्थो ओटी में ऑपरेशन के लिए लाया गया था। डॉक्टर के मुताबिक उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और ऑपरेशन के दौरान 2 रॉड डाले गए। आपको बता दें कि 3 अप्रैल की शाम गोरखनाथ मंदिर पर PSC के 2 जवानों पर हमले के दौरान मुर्तजा अब्बासी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। उसके दोनों हाथ बाएं हाथ की दोनों हड्डियां टूटी हुई थी, और पहले जब वो आया था तो उसको प्लास्टर लगाया गया था और ऑपरेशन के लिए एडवाइस करा गया था। कल की डेट में जेल से वो लाया गया था, हमारे यहाँ प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुआ था, और कल उसकी सारी जांच कराई गई थी। शाम को जब रिपोर्ट्स आई नॉर्मल थी, तो आज ऑपरेशन के लिए प्लानिंग करी गई थी। आज सुबह से ही उसका ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो डॉक्टर राकेश के द्वारा करा गया। डॉक्टर राकेश के अंडर में मरीज भर्ती था, उसके साथ साथ मैं भी था इनके साथ, और साथ में हमारी बेहोशी वाली टीम और OT का सारा स्टाफ था। करीब 1 से 1.25 घंटे ऑपरेशन चला होगा। हाँ जी, ऑपरेशन करके उसके दोनों हड्डियों में रॉड डाला गया है। बिल्कुल ठीक है, पेशेंट स्टेबल है, तो अभी तो सिडेशन में है, मोटा मोटी 24 आवर भी रखेंगे। कितने देर चला? लगभग 1 घंटा। इसमें नेलिंग हुआ है, दोनों बाएं हाथ की दोनों हड्डियों, दो हड्डियां थी जो टूटी हुई थी दोनों हड्डियां, और उसमें नेलिंग कर दिया गया दोनों, और वो भी फिलहाल क्लोज करके अभी अंडर ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।